चलिए बेटा अब देखते हैं अपन क्या डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ बाय द केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, अब अभी अपन ने क्या देखा, सैटेलाइट जो है वो किसके चारों तरफ घूम रहा है, सन के। जब चारों तरफ घूम रहा है तो उस कंडीशन में क्या आएगा, आपका कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अब भी देखा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। f इज इक्वल टू m, v की जगह r ओमेगा रखें तो क्या जाएगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, ये एक r से एक r कैंसिल हो गया, f इज इक्वल टू क्या मिला, m r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय t। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या रख दें हम, 2 पाई बाय t एम आर, 2 पाई बाय टी रखें तो क्या जाएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम बेटा, ओके। अब इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है हमारा, जब भी हमने प्रूफ किया कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जब प्रोपोर्शनल अलग करेंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। ठीक है, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, के आर क्यूब, उठा किस्म रख दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो एफ इज इक्वल टू एम आर 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर की जगह दी क्या, के आर क्यूब। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो एफ इज इक्वल टू क्या मिला, 4 पाई स्क्वायर अपॉन के इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब 4 पाई स्क्वायर के, ये दोनों चीज क्या है आपकी, कांस्टेंट, तो जब कांस्टेंट है तो क्या जाएगा, एफ अलग करेंगे तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम बाय आर स्क्वायर। दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ यही था ना कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एट द अपॉन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना, तो सपोज हमने क्या माना कि एक दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है, यूनिट मास का, दैट मीन्स 1 kg, तो यहाँ पे 1 ना रख के अपन ने क्या सीधा m अपॉन r स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस r। ठीक है, क्योंकि हमने ये मान लिया कि ये जो मास है m, ये किसका मास है आपका, सन का, और सैटेलाइट का मास हमने क्या मान लिया, नेग्लेजिबल, दैट मीन्स 1 यानी यूनिट मास का, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है r। ठीक है, तो क्या मिला, f इज प्रोपोर्शनल टू m बाय r स्क्वायर। क्लियर बेटा, तो ये था आपका डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ फ्रॉम द केपलर्स थर्ड लॉ। क्लियर बेटा, अब ये होता है आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश। ठीक है, अब इसके बाद आपके में और कौन कौन से चैप्टर्स हैं बेटा, अभी यदि अपन जो ग्रेविटेशन ऑफ ग्रेविटेशन आपका ख़त्म होता है, हाँ अब आ जाएगा क्या आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, अपन को ये वाला चैप्टर करना है, तो इस चैप्टर के लिए आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो एक वीडियो में मैं आपकी पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा और 2-3 डेरिवेशंस हैं तो अपने उसमें कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।